नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस खास YouTube चैनल अक्षत ब्लॉगर में। मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। मैंने अपने चैनल का नाम अक्षत ब्लॉगर रख दिया है और H42 काफ़ी बेकार से बेकार सा लगता होगा आपको, तो मैंने अपने चैनल का नाम अक्षत ब्लॉगर रख दिया है। और आज मैं आया हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर ओयो ड्रीम्स रिजॉर्ट में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर ओयो ड्रीम रिजॉर्ट में, क्योंकि मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। आपको जैसा कि पता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ मैं, लेकिन वहाँ पर मैं लेट नाइट पहुँचा लगभग 11-12 बजे, तो उन्होंने मना कर दिया मेरे को। उन्होंने मुझसे बोला कि आप यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं, तो मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, आज मैं कहीं बाहर ओयो होटल में रुकूँगा, कोई होटल में रुकूँगा और फिर आपको उसमें, फिर मैंने सोचा कि आज आपको कुछ दिखाऊँ, उसमें एक ब्लॉग ही बना दूँ ओयो होटल का, जैसे अगर आप कोई भी होटल में रुके हैं आके तो आपको असुविधा उत्पन्न ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो। आप जैसा देख सकते हैं कि मैं ओयो होटल के पीछे खड़ा हुआ हूं, आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। ये देखिए हमारे ऊपर ओयो ड्रीम्स रिसॉर्ट के पास मैं खड़ा हूं, और मैं दिखाऊंगा आपको अंदर की, अंदर रूम कैसे होते हैं, यहां पर अंदर का पूरा लोकेशन मैं आपको दिखा दूँ। पहले बात बाहर का देख लीजिए आप, बाहर किस प्रकार का होता है। बाहर पीछे रोड है हमारे, देख लीजिए आप, और ये देखिए काफ़ी हरियाली भी यहाँ पर है। और ये रिसेप्शन ऑफिस है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, हेलो, ये रिसेप्शन ऑफिस है। यहाँ पर एंट्री करते हैं यहाँ पर, और आपको मैं दिखाऊंगा आगे कि रूम्स कैसे होते हैं यहाँ पर। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं कि किस प्रकार के रूम होते हैं अंदर, और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि अंदर किस प्रकार के रूम होते हैं। एक यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया बेड सजा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इन रूमों में क्या क्या होता है। आपको डबल बेड दिया जाता है, डबल बेड दिया जाएगा आपको यहाँ पर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो पिलोस भी होंगी, और आपको एक ओढ़ने के लिए चादर भी दिया जाएगा, लाइक रजाई टाइप से, कि ठंड पड़ रही है। एसी भी यहाँ पर होता है, 1100 रुपये आपको देने पड़ते हैं अगर रात में आप आते हैं। एसी भी होती है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर एसी ऑन करनी पड़ेगी। और एलईडी टीवी आपको अगर यहाँ पे देखना है कुछ भी, तो यहाँ पर एलईडी भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एलईडी है। चेयर्स रखी हुई हैं, एक बॉक्स टाइप से रखा हुआ, डस्टबिन भी यहाँ पर होगा आपको, एक मिरर भी दिया जाएगा, ये मिरर है। और अटैच बाथरूम है, अटैच बाथरूम है, आप यहाँ नहाइए, गीजर भी लगा हुआ है, सब कुछ है, अच्छी व्यवस्था की गई है, देख सकते हैं आप। ये पूरा ओयो रूम का मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि ओयो रूम होटल्स कैसे होते हैं। एक बार नज़र डालिए आप, देखिए आप बेड सीट देख लीजिए आपको किस प्रकार से दी जाएगी, काफ़ी अच्छी दी जाती है बेड सीट। एसी रूम होते हैं, फ़ैन भी होता है साथ में, देखिए फ़ैन भी होता है साथ में, एक रॉड भी लगी होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एलईडी भी लगी है, तो काफ़ी अच्छी सुविधाएं उन्होंने दे रखी है यहाँ पर। चेयर भी देते हैं, अगर आप तीन लोग आते हैं, मैं आपको एक सूचना दे दूँ, अगर आप तीन लोग आते हैं यहाँ पर तो एक साइड में भी डलवा देते हैं, आगे आपको मैं दिखाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे ओयो होटल के गद्दों पर लेटा हुआ हूँ, डबल बेड यहाँ पे दिए जाते हैं आपको, तो गद्दों पर लेटा हुआ हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करना, और आपको अपना सजेशन जरूर देना कि मैं अगला ब्लॉग किस पर बनाऊँ या किस चीज़ पर बनाऊँ। धन्यवाद मित्रों।